नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न होगा, हो सकता है कि मैं आप लोग को इससे ज़्यादा भी करवा दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, देन आप लोग को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आप लोग के हर एक डाउट को जो है रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आप लोग को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को ये बता दूं दोस्तों कि आप ही लोगों के लिए अड्डा 24/7 जो है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए अड्डा 24/7 जो बहुत ही बेहतरीन बैच जो है आप लोगों के लिए लाया है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी और झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए भी। तो चलिए मैं फटाफट आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूं क्योंकि आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बैच होगा दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बैच है और किसी भी मार्केट में जो बैच अवेलेबल है उससे आपका बेस्ट बैच आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले adda247.com पे जाना है। adda247.com पे जब आप जाएंगे तो उसका होम पेज खुलेगा और जैसे ही होम पेज खुलेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन आएगा, डालेगा BP, ठीक है, BPSC, तो उससे BP जैसे ही डालेगा ये आ जाएगा डायनेमिक BPSC 2020 कंप्लीट बैच जो दोनों ही लैंग्वेज में करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हर एक चीज़ मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा, देन आपको पूरे क्लास हर एक पूरे सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका प्राइस देखिए दोस्तों 4x9 लगभग 10,000 है, लेकिन ये 10,000 में नहीं, आप लोग को करना क्या होगा, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना होगा और अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। जैसे ही ईमेल एड्रेस डालेंगे कोड आएगा Magic75, इसको अप्लाई कर दीजिए। ये कोड जो है सिर्फ आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो इतना ज़बरदस्त बैच है दोस्तों कि हम लोग इसके ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया है कि बेस्ट मटेरियल, बेस्ट क्लास आप लोग को मिलने जाएगा, मिलेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही झारखंड के लिए भी है, JPSC सर्च करिए, टारगेट JPSC 2020 कंप्लीट बैच, सेम प्रोसेस है, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस डालना होगा, ईमेल एड्रेस लगाइए और ये कोड लगाइए, तो ये कोर्स भी आपका 2500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बैच जो है परचेज करिए। अब हम लोग अपने डिस्कशन पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, देन जो हम लोग वन बाय वन अपने जो टॉपिक क्वेश्चन है उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी क्या करिएगा, क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो प्रश्न है देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबॉलिश डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, मतलब कि कौन से एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, उसके जगह पर आपका प्रांतों की स्वायत्ता की बात कही गई, स्वायत्तता जो होता है उसकी बात कही गई। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका कमेंट करिए, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और हम लोग डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो अंकित राज जी गुड मॉर्निंग, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग को आंसर बताना पड़ेगा, आंसर नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कि इसमें से कौन सा एक्ट जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करता है और उसके जगह पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है, जो आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। अंकित राज जी ये कह रहे हैं, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है सी, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स, और 1909 को मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा।
तो इसका आंसर हो गया सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है दोस्तों, आधार भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक, तो आप लोग भी कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट करिएगा तभी मज़ा भी आएगा दोस्तों। ठीक, तो पहला फीचर्स देखिएगा 1935 के एक्ट का, कि इसने क्या किया था, प्रांतों में द्वेष शासन डायरेक्टली जो है उसे समाप्त किया था और सेंटर में स्टार्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों जो इंडियन काउंसिल था इसको समाप्त कर दिया गया था, उसके जगह पे एक आपका एडवाइजरी बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, तो हर एक चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग भी ये देखिएगा। कभी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान का विकास, तो उसमें हर एक जो है आपका एक्ट को मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुँचते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले भारतीय कौन था जो वायसराय कार्यकारी परिषद को ज्वाइन किया था। ए सत्येंद्रनाथ सिन्हा, बी जगजीवन राम, सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी जो है आपका मनमोहन घोष, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जरूर, जल्दी जल्दी से बताइएगा दीपक जी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग नजारा जी, गुड मॉर्निंग दीपक जी, अंकित जी, जितने लोग जरूर है आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करोगे। ठीक, कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहला इंडियन कौन था ये पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। आंसर नहीं दोगे तो मजा आएगा, आप ही लोग बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, सी आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। आंसर याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले थे जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे, और ये कब, जो इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो हम लोग कहते हैं कि जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे पहले मेंबर बने थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो आपके जो गए थे, तो इसका आंसर दोस्तों सी नहीं होगा, इसका आंसर ए सत्येंद्रनाथ सिन्हा होगा। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक हो गया, सी के ए होगा इसका आंसर, ये ध्यान में रखना है कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत के संविधान सभा की बात कही थी। ये जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी एम एन रॉय, इन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों फटाफट इसका आंसर करिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर था आशीष जी कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सत्येन प्रसाद सिन्हा, मैं सच्चिदानंद सिन्हा बोल रहा हूँ। आगे इसका आंसर बताइए, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। फटाफट आंसर बताना है, जितने लोग जुड़े हुए जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, प्लीज बताइएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग को बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो बताइए फटाफट किसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से। इसका आंसर जो नजारे जी ए बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग भी बताओ किसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, फटाफट बताइए किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन। अब बफरिंग भी सही हो जाएगा, रुक जाइए। ठीक है, हाँ बताइए, सही चल रहा है, अब साउंड भी आ रहा होगा। तो इसका आंसर बताना कि पहला व्यक्ति कौन था जो आपका संविधान सभा का आइडिया रखा था, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ठीक, चलिए तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, एम एन रॉय जो है उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था आपका, जो ये भारतीय संविधान सभा की बात कही थी पहली बार। ठीक है, कब, 1934 में, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम द, डैट मीन्स कि अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, दैन इंग्लिश रेवोल्यूशन, सी रशियन रेवोल्यूशन, डी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। ठीक, जल्दी जल्दी से आप लोग करते रहिएगा, फटाफट जितने जल्दी हो सके आंसर करते रहिए।
कि द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द, कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी इंग्लिश रेवोल्यूशन, सी जो आपका रशियन रेवोल्यूशन एंड डी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट करते रहिए, तभी मैं आप लोग को बताऊंगा भी, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जरूरी है कमेंट करना। बताते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, बताता हूं उसका नाम क्या होता, लुईस कहते थे। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल शुड दी ओके डियनिटली बी अल्टर। दैट मीन्स कि जब नया हमारा राज्य कोई बनेगा तो कौन से शेड्यूल में जो है आपका अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, एंड डी इन एट, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आप लोग को बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, नहीं होगा बफरिंग सब सही हो जाएगा, प्लीज फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड, नया अगर राज्य बनना है तो कौन से शेड्यूल को अल्टर किया जाएगा। और फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, एंड डी एथ, और ई जो है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए, आंसर बताएंगे तभी मज़ा भी आएगा, आंसर नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग को आंसर बताना पड़ेगा फटाफट दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं और आप ही लोग नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, आप ही लोग बताइए। ठीक है, तो आप लोग बताइए, मैं फिर उसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि आंसर जो मैं बताऊंगा वो आपका बहुत फाइनल आंसर होगा, यही बोलते हैं ना। और फाइनल आंसर होगा तो आपको भी तो मज़ा आएगा ना, तो आंसर बता दीजिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे दो कमेंट्स आ चुके हैं, तीन कमेंट, चार कमेंट आ चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही, फर्स्ट शेड्यूल में किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका किससे रिलेटेड है, यूटी एंड यूनियन टेरेटरी, मतलब कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। ठीक है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही हमारा राज्य और उसके यूनियन टेरेटरी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत जबरदस्त, सभी लोग जो है आप लोग आंसर किए हो। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, डैट मीन्स कि आपका प्रेसिडेंट को हो, गवर्नर का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, या आपका हाउस ऑफ द पीपल्स का हो, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के, राज्यसभा का हो, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का हो, कैग का हो, इस सभी से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ओथ एंड अफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल जो है आपका दोस्तों वो आपका किससे दिया हुआ है, उसके सैलरी एंड अलाउंसेस। फोर्थ जो है आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारे से है। फिफ्थ शेड्यूल जो है दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो फिफ्थ शेड्यूल है वो आपका एससी एंड एसटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सिक्स शेड्यूल जो है दोस्तों वो आपका एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन एसटी में कौन किसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है दोस्तों, तो याद रखना है ए टी एम एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद रखिएगा। ठीक है, देन सेवन शेड्यूल जो हो गया दोस्तों, सेवन शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, सेवन शेड्यूल, तो सेवन शेड्यूल जो है दोस्तों वो हमारा रिलेटेड है किससे, आपका लिस्ट से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। और एट शेड्यूल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से। नाइन्थ शेड्यूल जो है दोस्तों वो आपका म्यूनसिपार्टी से। और टेंथ शेड्यूल जो है दोस्तों, नाइन्थ शेड्यूल पंचायती राज, टेंथ शेड्यूल जो है आपका, सॉरी नाइन्थ जो शेड्यूल है दोस्तों उसमें ये दिया हुआ है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, सॉरी, जो आपका जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा उसको डाला गया था। तो लैंड रिफॉर्म जो फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ था वो डाला गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन है, इलेवेंथ शेड्यूल पंचायती राज, और ट्वेल्थ शेड्यूल म्यूनसिपार्टी। ठीक, उसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक, हाँ, पहले भी मेरा क्लास हुआ है अंकित राज जी, ये देखिएगा, फर्स्ट टाइम लाइव है सर आपका, नहीं मैं पहले भी लाइव आते रहूँ तो आप लोग देखिएगा मेरे वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीएम्बल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है या कहाँ से इंस्पायर्ड है। ए जो है आपका यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, बी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, सी जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताइएगा, हाँ, 11 पंचायती राज, 12 म्यूनसिपालिटीज। तो ये जो हमारा प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया, फटाफट कमेंट करिए कि अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, उद्देश्य प्रस्ताव से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, या ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। फटाफट आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा और आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है,
यहाँ पे आशीष जी का आंसर आ चुका है, ठीक, अंकित राजा का भी आंसर आ चुका है, बाकी सभी सभी लोग कमेंट करो, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका आंसर जो है वो क्या है। इसका आंसर ए है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने लिया है। जैसे हम वहाँ पे भी है वी द पीपल ऑफ यूएसए, तो हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन दोस्तों जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ये याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे संविधान सभा से संबंधित चार फैक्ट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डेमोक्रेटली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो संविधान सभा है उसे लोकतांत्रिक तरीके से भारत के लोगों ने चुना। दूसरा, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, मतलब कि सभी समुदाय के प्रतिनिधियों के चुनाव उसी के समुदाय के लोगों ने किया था। तीसरा, ईच प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स वेयर एलोकेटेड सीट बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया, जितनी भी देसी रियासत थे उनको जो सीट दिया गया था वो भौगोलिक एरिया के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है। देन डी, महात्मा गांधी वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंटिल ही वाज असैसिनेटेड इन 1948, यानी कि महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर थे जब तक उनकी हत्या नहीं की गई थी। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। माई क्लास इज बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी स्टेट सर्विस वन डे एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो यू कैन से कि माई क्लास इज हेल्पफुल फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा एन एम क्रिएशन जी। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें से कौन सा सही है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आप लोग को पता ही होगा कि संविधान सभा का निर्माण जो है जब आपका कैबिनेट मिशन आता है मार्च में, उसके रिकमेंडेशन पे मई में होता है, देन उसकी जो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, देन 11th को दूसरी मीटिंग 9 दिसंबर 1946, 11th दिसंबर 1946 सेकंड मीटिंग, और थर्ड मीटिंग जो है 13 दिसंबर को होती है, ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। महात्मा गांधी जी और अली जिन्ना जो थे दोस्तों वो आपके संविधान सभा के मेंबर्स नहीं थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब संविधान सभा बना तो मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, और भारतीय संविधान सभा में दोस्तों 389 सीट्स थे, कितने थे 389, तो ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड है। देखिएगा दोस्तों, इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इट्स इंसेप्शन, बी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी इट इज जस्टिफिएबल इन नेचर, डी इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर दीजिएगा फटाफट दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से, इसमें से क्या आंसर होगा, ठीक है, आंसर नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक, फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है तो आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइमिंग लगा हुआ है, ठीक, तो प्लीज बताते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आप लोग बताइए, तब तक मैं आंसर बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर क्या होगा, ई है दोस्तों। क्यों मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रीएम्बल जो है ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और प्रीएम्बल जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। और प्रीएम्बल को दोस्तों पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 368, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, और ये जो आपका 1976 में हुआ था, कब 1976 में हुआ था, ठीक, ये ध्यान में रखना है। और 42nd अमेंडमेंट से दोस्तों आपका वर्ड जुड़ा था SSI, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक, तो ये चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया और पूछा भी जाता है, तो हम लोग को भी याद रखना पड़ेगा, है ना। ध्यान जो है दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डैट मीन्स कि ये जस्टिफिएबल नहीं है। और प्रीएम्बल दोस्तों ना ही आपका शक्ति का सोर्स है, ना ही उसके लिमिटेशन का सोर्स है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों
आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट जो है प्ले रोल करता है कि हमारे इसे बहुत सारा नाम दिया जाता है, की ऑफ आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स की एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये जो बेस है दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के ऊपर बेस्ड है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये भी ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, फॉर द फर्स्ट टाइम द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश इन, मतलब कि पहली बार संविधान सभा के जो द्वारा ये डिमांड किया गया कि उसमें जो लोगों को इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, तो सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिशर ने पहली बार कब इसे स्वीकार किया, ए माउंटबेटन प्लान, बी अगस्त ऑफर, सी वेवल प्लान, डी कैबिनेट मिशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फटाफट इसका आंसर करिएगा दोस्तों, आप लोग के पास टाइम है अभी, ठीक है, जितना जल्दी आंसर करिएगा उतना ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, और आंसर नहीं करेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा ना ही मुझे मज़ा आएगा, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के ला रहा हूँ, कितना देखिएगा। सर मैं अंकित आपके क्लास शेयर कर दूंगा, गुड, थैंक यू अंकित जी, आप ही तो कमेंट कर रहे हो, बाकी लोग तो सोए पड़े हैं, ठीक है, एक ही दो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इसका आंसर क्या होगा बी, याद रखना है अगस्त ऑफर में जो है उसे आपका सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था अगस्त ऑफर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं, द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज इस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, पहला जो है आपका हम लोग कहते हैं कानून आयोग, विधि आयोग की स्थापना जो की गई थी कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था, ए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बताना दोस्तों पहला विधि आयोग कौन से एक्ट के द्वारा इस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, और इसका आंसर पता नहीं है तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए चार्टर एक्ट जो 1833 है इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका जो चेंज करके नाम भारत का गवर्नर जनरल कर देता है। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो पहला लॉ कमीशन 1834 में इस्टेब्लिश हुआ था चार्टर एक्ट 1833 से, और इसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेले थे पहला, ये याद रखिएगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते, अच्छा एक चीज़ और, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था दोस्तों इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 1955 में बना था 3 सालों के लिए, और पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे उनका नाम था M.C. सितलवार, ये ध्यान में रखिएगा। और जो कौन थे, हुआ द फर्स्ट ऑल्सो फ्रेंड, ये भी कहते हु वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे M.C. सितलवार, क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। पंकज कुमार हेलो, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट करते रहिए फटाफट आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा, भारतीय संविधान के कौन से जो आपका शेड्यूल है अनुसूची जिसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारों का मेंशन किया गया है, मैंने पहले भी बताया था तो आप लोग भी कमेंट करेंगे, ए थर्ड शेड्यूल, बी फोर्थ शेड्यूल, सी फिफ्थ शेड्यूल, एंड डी सिक्स्थ शेड्यूल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, फटाफट आंसर करिए दोस्तों, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करोगे, और आंसर नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आप लोग आंसर करो, और जो आंसर करता है डैट मीन्स कि वो पढ़ते हैं, और जो कमेंट और पार्टिसिपेट करता है उसका सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अंकित राज फोर्थ बता रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ही आंसर कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो है आपका बी फोर्थ शेड्यूल में है, क्या है, बी जो है फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था हर एक शेड्यूल के बारे में पहले भी, तो आप लोग को देखना भी पड़ेगा, पहले पहला शेड्यूल जो है दोस्तों वो आपका यूनियन एंड टेरिटरी मतलब कि संघ और राज्य दिया हुआ है, तो उससे शेड्यूल में जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया का उसके बारे में दिया है, थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा का सीटों का बंटवारा दिया हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल में दोस्तों SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है, सिक्स शेड्यूल जो है आपका सिर्फ 4 राज्यों से रिलेटेड है, ATMM असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम,
ध्यान दोस्तों, आपका जो सेवन्थ शेड्यूल लिस्ट से रिलेटेड है, सूची से रिलेटेड। एट शेड्यूल जो है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, 22 जो है। नाइन्थ शेड्यूल जो है दोस्तों जिसमें लैंड रिफॉर्म्स रखा गया था। टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दल बदल कानून, और एलेवेंथ शेड्यूल पंचायती राज, और ट्वेल्थ शेड्यूल म्यूनसिपालिटीज। तो प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में? जल्दी जल्दी से आंसर करिए। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के एम मुंशी, डी ए वी ठक्कर, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं कमेंट करिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ गौरव राय जी कमेंट किए, अंकित जी ने कमेंट किया था, बाकी लोग तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर, के एम मुंशी जो थे वो आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे। स्टर्लिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल के ड्यूटी के ऊपर जो कमेटी है, और राइट्स ऑफ माइनोरिटीज के ऊपर जो कमेटी बनी थी, तो सरदार पटेल। ठीक है, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? यूनियन पावर्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी। तो हिंदी में भी बता रहा हूँ विनय कुमार जी, सुनिएगा, मैं हिंदी में भी हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक, तो प्लीज आप लोग सुनते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्ट इलेक्शन हैपन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कौन से एक्ट के द्वारा करवाया गया था? पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कौन से एक्ट के द्वारा करवाया गया था? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919, सी मिंटो मॉले रिफॉर्म्स 1909, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए बताइए सर, हिंदी में भी बता दिया कि कौन से एक्ट के द्वारा पहली बार जो है आपका प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया था अपने इंडिया में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919, सी मिंटो मॉले रिफॉर्म्स 1909, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सी इसका आंसर क्या है, मिंटो मिल्लो रिफॉर्म्स 1909, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1909 जो था दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं कि भारत में अलगाववाद का बीज भी इसी ने बोया था। सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन की बात जो है इसमें की गई थी, ये ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन से एक्ट के द्वारा अलगाववाद का बीज बोया गया था, सेपरेटिज्म का बीज बोया गया था, या कम्युनिज्म का, तो मिंटो मॉले रिफॉर्म्स 1909। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी। जो स्टीयरिंग कमिटी थी, संचालन समिति, उसके मुखिया या प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जी वी मावलंकर, डी एस सी मुखर्जी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जी वी मावलंकर, डी एस सी मुखर्जी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर भी अब हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, याद रखिएगा, डॉक्टर जो है आपका राजेंद्र प्रसाद, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, प्रोसीजरल कमेटी के भी चेयरमैन और स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थाई मतलब कि परमानेंट चेयरमैन भी बने थे। जी वी मावलंकर हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा का, ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु आर द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। मतलब कि प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी जे बी कृपलानी, सी ए बी ठक्कर, डी बी आर अम्बेडकर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। फटाफट फटाफट यहाँ पे करिएगा आंसर, जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आंसर करिएगा उतना ही मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो फटाफट आंसर कर दीजिएगा दोस्तों कि क्या होगा, कौन थे चेयरमैन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ई सरदार पटेल थे, याद रखिएगा सरदार पटेल। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। और दोस्तों सरदार पटेल फंडामेंटल राइट्स के भी कमेटी के चेयरमैन थे, ये भी ध्यान में आपको रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड।
यहाँ पे आंसर ई है वैसे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया, भारत में कौन से जो एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बी फिक्स्ड बट एडजस्टेबल, सी मैनेज डर्ट फ्लोट, डी फ्री फ्लोट इन वन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइएगा दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट। जितने लोग आंसर करेंगे उतना ही मजा आने वाला है दोस्तों, इतने लोग हैं लेकिन आंसर करने में ना जीरो जीरो नहीं रखना है, जोश बनाए रखो, जोश होगा तभी ना दोस्तों आप किसी कंपटीशन को क्रैक करोगे, क्योंकि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए टाइम लगता है, टाइम के साथ अगर जोश नहीं बना रहेगा तो मुश्किल हो जाता है, ये भी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। फटाफट फटाफट दोस्तों यहाँ पे आप लोग को आंसर बताना चाहिए, जितने जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे उतना ही मजा आएगा दोस्तों, फटाफट जो है आप लोग आंसर बताइए, यहाँ पे मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, फटाफट जितने जल्दी हो सके आंसर बताते चलिएगा यहाँ पे दोस्तों, कि अपने इंडिया में कौन से एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर है दोस्तों मैनेज एंड डर्ट फ्लोट को जो है फॉलो किया जाता है, मैनेज करके जो है अपने इंडिया में एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रूपी विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी फॉर एग्जाम्पल डॉलर इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स, आपको पता है ना कि अपने इंडिया में जो डॉलर का डॉलर के साथ जो कंपैरिजन होता है, रेट जो बनता है वो मार्केट के ऊपर बेस होता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ना ही आरबीआई उसको रेगुलेट करती है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है कि जैसे ही आपका डॉलर का डिमांड बढ़ेगा या आपका जो हम लोग कहते हैं इंडियन रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, इंडियन रुपीज़ का डिमांड कम होगा तो इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे आपका जो कथन दिया है उसमें से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो फटाफट देख लीजिएगा। एन ओवर वैल्यू करेंसी विल बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, एक ओवर वैल्यू करेंसी जो होगा वो अपने इंडियन कंट्री के एक्सपोर्ट को निर्यात को बढ़ाएगा। बी एन अंडर वैल्यू करेंसी विल बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, एक अंडर वैल्यू जो करेंसी होगा वो इंडियन कंट्री को एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। Then C, over valuation and under valuation of currency does not impact export, मतलब कि over valuation या under valuation currencies जो होता है उसके आए निर्यात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। D, over valuation of currency makes import expensive, जो over valuation होता है अगर currency का तो import को खर्चीला बनाता है। In none of the above, more than one of the above, दोस्तों इसका आंसर फटाफट फटाफट बताते रहिए तभी जो है मजा आएगा, जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी एन अंडर वैल्यू करेंसी विल बोस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट जो है एक डॉलर जो है 60 रुपये के बराबर, अब देखिएगा, नाउ इफ एन इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड अ पर्टिकुलर कमोडिटी वन यूनिट इन द इंटरनेशनल मार्केट हुज प्राइस इज $8, देन इंडिया आफ्टर कन्वर्सन ही विल गेट अल्टीमेटली 480 रुपीज, बट इफ द रुपी इज अंडर वैल्यू ओके मीन्स डेप्रिसिएटेड, फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर जो है 64 रुपये के बराबर तो उसे ज़्यादा मिलेगा ना, तो एक्सपोर्ट उससे बढ़ेगा, यही जो होता है अंडर वैल्यू और वैल्यू, समझ में आ गया। अगर रुपीज की कीमत कम होगी, मान लीजिए कि एक डॉलर है अभी मान लीजिए 70-72 का, अगर कोई व्यक्ति एक सामान भेजता तो अभी उसे 72 रुपये ही मिलता है, लेकिन एक डॉलर अगर जो है 80 रुपये के बराबर हो जाए तो क्या होगा कि जब आप कोई एक सामान भेजेगा तो उसे एक जो यूनिट का कितना मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा, ये ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है, ये याद करके समझ लीजिएगा कि वैल्यू और अंडर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए करेंसी एंड क्वाइंस आर एट मनी, करेंसी डू नॉट हैव इंट्रेंसिक वैल्यू बट क्वाइंस हैव, करेंसी एंड क्वाइंस आर लीगल टेंडर्स एंड चेक्स आर लीगल टेंडर्स इन नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो थोड़ा ये क्वेश्चन जो है टेक्निकल है तो इसको आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर ई होगा, ई होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिएगा करेंसी एंड क्वाइंस आर फिएट मनी बिकॉज दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम गवर्नमेंट फिएट और ऑर्डर, इफ द क्वाइन इज मेल्टेड देन इट विल नॉट फेस द सेम वैल्यू इन द मार्केट and the paper of which the currency note is made of does not okay note is made of does not have any value in the market, hence currency notes and coins are called fiat money, ye yaad rakhiye, and they do not have intrinsic value,
दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्स, समझ में, याद रखिएगा, इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है, ये फिएट मनी होता है, ठीक। चेक जो होता है दोस्तों, चेक ड्रॉइंग ऑन सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स, हाउएवर कैन बी रिफ्यूज बाय एनीवन एज मेड ऑफ पेमेंट, हिंस चेक्स एंड डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर, सो प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है दोस्तों, वो सही है, ठीक। तो पहला मतलब कि करेंसी एंड क्वाइंस आर फिएट मनी, FIAT, ठीक है, फिएट मनी बिल्कुल सही है। करेंसी एंड क्वाइंस आर लीगल टेंडर, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो केप्ट विथ RBI बाय कमर्शियल बैंक। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सभी बैंकों को डेली बेसिस पे अपने टोटल जो उसके पास डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ परसेंट RBI के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक SLR होता है दोस्तों, तो SLR जो होता है वो भी रखना पड़ता है, लेकिन SLR जो है दोस्तों उसमें कैश भी रख सकते हैं, कुछ आपके जो है गोल्ड्स भी रख सकते हैं, क्वाइंस भी रख सकते हैं, फॉरन डिपॉजिट भी रखा जा सकता है, सर्टिफिकेट जो होता है ये भी रखा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया, इसमें से कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है। इट इंश्योर सेफ्टी टू द पीपल्स डिपॉजिट इन बैंक, मतलब इससे क्या होता है कि लोगों के जो डिपॉजिट है बैंक में उसकी सेफ्टी, सुरक्षा मिलती है। दैन इट इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक, बैंकों की जो आपके गुलाम उलाम ना हो सके, सॉल्वेंसी मतलब कि पूरा जो है पैसा ना खत्म हो, उससे बचाता है। सी इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक, ये बैंक के कॉस्ट ऑफ द फंड्स को बढ़ाता है। डी बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन CRR, देन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये गलत है कि बैंक को जो है CRR के बदले कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि ये जो बैंक में पैसा होता है उससे बचाता है, ये बैंक को सॉल्वेंसी होने से भी बचाता है, और ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या ए और बी आंसर सही है, बाकी जो है गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स RBI रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में RBI कितने बार जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, ए क्वार्टरली, बी क्वार्टरली एंड मिड क्वार्टरली, सी बाई मंथली, डी सिक्स मंथली, इन अन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बाई मंथली, हर एक दो महीने पर जो RBI रिव्यू करती है, हर एक दो महीने पे। जो RBI का जो फाइनेंशियल ईयर पता है 1 जुलाई टू आपका 30 जो जून होता है वहाँ तक है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हु विल डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट, नए जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन रेट को कौन निर्धारित करेगा, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी गवर्नमेंट इन इंडिया कंसल्टेशन विद द RBI, डी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों मैं पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दूं आप लोगों को कि इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स जो है दोस्तों आपके RBI के तरफ से, 3 मेंबर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। अगर और इसमें वोटिंग होता है, मान लीजिए अगर वोटिंग जो है टाई हो गया 3 इधर 3 इधर, तो क्या होता है RBI के जो गवर्नर होगा उसके पास कास्टिंग पावर होता है, मतलब कि लास्ट में जो बोलेगा वही हो जाएगा, कास्टिंग वोटिंग का पावर होता है, ठीक है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसका देखते हैं दोस्तों अपने इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को कौन जो है डिटरमाइन करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट को। तो इसका आंसर होगा सी, जो गवर्नमेंट इन इंडिया कंसल्टेशन विद द RBI, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया, उसका जो काम है आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज यूज्ड बाय RBI एज द पैनल रेट इन केस बैंक्स आर नॉट मीटिंग देयर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, RBI के द्वारा कौन से रेट का यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है जब उसको कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाता। ए बैंक रेट, बी डिस्काउंट रेट, सी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, डी वेटेड एवरेज ऑफ रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन, एंड इन अन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर, नमस्ते चंदन जी, ठीक है, क्या होगा देख लीजिए, इसका आंसर होगा ई, ये ध्यान में रखना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग,
किस मतलब कि मान लीजिए भारतीय भारत का जो नेशनल आय है, राष्ट्रीय आय, वो किसके बराबर होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बराबर, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर, या इनकम गोइंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर इन अन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर बताइएगा फटाफट, आप लोग आंसर बताते चलिए किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये सब होता क्या है, जब आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बिहार जीडीपी? बिहार के जीडीपी को जो है कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर कौन सा है? ए 2010-11, बी 2011-12, सी 2009-10, डी 2012-13, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर प्लीज जल्दी जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जितना जल्दी बताओगे आप लोग उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताओ, नहीं बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसका आंसर होगा बी 2011-12। याद रखिएगा बिहार के जो जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है 2011-12 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार? बिहार का जो पर कैपिटा इनकम, ये थोड़ा चेंज और मतलब कि कम ज़्यादा होता रहता है, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है? ए 26,000, बी 24,780, सी 42,242, डी 31,316, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर होगा सी 42,242। अभी लमसम जो है दोस्तों 40,000 से ऊपर ही है, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ बिहार? बिहार के जीडीपी में कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये पूछा जा रहा है। ए माइनिंग एंड क्वेरिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, डी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप लोग को तो कमेंट करना चाहिए, कमेंट करिए फटाफट, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? जितना जल्दी बताएगा उतना ही आप लोग को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताओ, जितना जल्दी हो सकता है आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। भाई लोग एक ही चीज़, आप ही लोग बताओ, आंसर नहीं बताओगे तो काम चलेगा? आप ही लोग बताओ मुझे कि आंसर नहीं बताओगे तो काम चलेगा, नहीं ना चलेगा? तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, मज़ा नहीं आएगा फिर। ए होगा इसका आंसर माइनिंग एंड क्वेरिंग का। देखिएगा, देखिए माइनिंग का एंड जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में आपका, वो 67.5% है। मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों 25.9% है। ट्रांसपोर्ट का 6.41%, स्टोरेज का 3.8%, कम्युनिकेशन का 3.2%, ये ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल सर्विस का दोस्तों 10.1%, प्राइमरी सेक्टर 6.6%, सेकेंडरी सेक्टर 0.2%, टर्शरी सेक्टर 14.5%। ओके चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार? बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सबसे ज़्यादा सकल जो है आपका क्या है, इनकम है, मतलब सबसे ज़्यादा इनकम होता है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय? ए पटना, बी मुंगेर, सी बेगूसराय, डी मधेपुरा, ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लाता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं के बराबर करते हो, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? जल्दी से चलिए अब मैं आगे बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों ए पटना में है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम। टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट है पटना, मुंगेर, बेगूसराय। बॉटम थ्री है मधेपुरा, सुपौल और शिवहर, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया? मतलब कि कौन से स्टेट में सबसे थर्ड हाईएस्ट स्टेट है आपके रोड के डेंसिटी में? ए केरला, बी वेस्ट बंगाल, सी हरियाणा, डी बिहार, इन वन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी आपका बिहार, बिहार है तीसरे नंबर पर। सबसे पहले में दोस्तों केरला, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार, ठीक है? इंपॉर्टेंट था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने,
विच स्टेट हैज द सेकेंड हाइएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन इंडिया? ए बिहार, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात, इन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ए बिहार। बिहार जो है वो आपका क्या है दोस्तों, सेकेंड हाईएस्ट है आपका लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में, ठीक है। सबसे पहला हरियाणा है, देन बिहार है, ठीक। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थर्मल पावर इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो इंडिया में होता है उसमें थर्मल पावर का कितना परसेंटेज है? ए 86, बी 75, सी 52, डी 80, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए 86%। कितना है? 86%, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। थर्मल पावर 86.4% है। हाइड्रो पावर जो है दोस्तों वो आपका 9.7% है। रिन्यूएबल एनर्जी है 3.9% है। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, मतलब कि उत्तर पश्चिम जो बिहार है उसका कौन सा फीचर है, ये ध्यान में रखिएगा। ए सोमेश्वर रेंज, बी कैमूर रेंज, सी नवाडा हिल्स, डी राजगीर हिल्स, इन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और शिवालिक रेंज जो है दोस्तों हिमालय का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पड़ता है, 32 किलोमीटर के लमसम में फैला हुआ है, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। इसमें तीन एरिया में से बांटते हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली, ठीक है। प्लीज़ पढ़िएगा डिटेल में और आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों द हाइएस्ट प्लेस ऑफ बिहार इज, बिहार का सबसे ऊंचा जो जगह है कौन सा है? ए सतपुरा, देन बी कैमूर हिल्स, सी सोमेश्वर रेंज, डी बराबर हिल्स, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हम लोग अब देख लेते हैं। ए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा जो सतपुरा का जो रेंज है, सतपुर रेंज, वहाँ पर ये पाया जाता है सबसे ऊँचा जगह। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों चुआर्स फाउंड इन बिहार प्लेन आर, बिहार के मैदानी इलाकों में चुआर्स पाया जाता है कहाँ पे? ए फ्लडेड प्लेन, बी लेविस, सी ऑक्सपो लेक, डी हाईलैंड्स, इन अन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, आपके कहाँ पाया जाएगा? ऑक्सपो लेक में, ठीक है। ऑक्सपो लेक ऐसे बनाता है सांप के आकार का, ऐसे सांप के आकार का पूरा बना होता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चुआर्स क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ऑक्सपो लेक्स और इसे एबेंडन चैनल कहते हैं रिवर्स का। चुआर जो है ज़्यादातर आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। शोभम सिंद्रे जेल, ठीक। चलिए सॉरी जो है यहाँ पे आपके आवाज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द नेपाल, नेपाल के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसकी सबसे लंबी सीमा है? ए वेस्ट चंपारण, बी सीतामढ़ी, सी किशनगंज, डी ईस्ट चंपारण, इन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए आपका वेस्ट चंपारण की जो सीमा है वो लगा हुआ है आपके नेपाल के साथ, ठीक है, सबसे लंबी सीमा, ठीक, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ए विंध्यान रॉक्स जो है आपका एल्युवियम ऑयल, वहाँ जो एल्युवियम सॉइल पाया जाता है वहाँ पे, क्वार्टनरी रॉक्स वहाँ पे फाइलाइट या क्वार्ट्ज पाया जाता है, सी धारवर रॉक्स जहाँ पे जिनेसिस और सिस्ट पाया जाता है, डी टर्शरी रॉक्स जहाँ पे लाइमस्टोन या सिल पाया जाता है, इन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका आंसर जो है आपका सी है, जहाँ धारवर रॉक्स जिसमें जिनेसिस और सिस्ट पाया जाता है, बाकी गलत है। विंध्यान रॉक्स में लाइमस्टोन और सिल पाया जाता है, क्वार्टनरी रॉक्स में एल्युवियम पाया जाता है, धारवर रॉक्स में जिनेसिस और सिस्ट पाया जाता है, टर्शरी रॉक्स में फाइलाइट और क्वार्ट्ज पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग रेंजेस फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया नेपाल, कौन सा रेंज जो है भारत और नेपाल के बीच जो बाउंड्री बनाता है? कैमूर रेंज, रामनगर दून, सी सोमेश्वर रेंज, डी राजगिरी हिल्स, एंड इन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी सोमेश्वर रेंज, क्या होगा इसका आंसर? सोमेश्वर रेंज, ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि शिवालिक आप लोग को पता ना, जो शिवालिक हिमालय वाला जो मैंने शुरू में भी बताया था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णुपद टेम्पल वॉज रिबिल्ड बाय, विष्णुपद जो मंदिर है उसे दोबारा किसने बनाया था? ए अहिल्याबाई होलकर, बी शेर शाह, सी कुंवर सिंह, डी कामेश्वर ठाकुर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों गौरव जी, देखिए मैं जो भी क्वेश्चन है उसका हिंदी भी बताता हूँ कि विष्णुपद टेम्पल को दोबारा किसने बनाया? अहिल्याबाई होलकर, बी शेर शाह, सी कुंवर सिंह, डी कामेश्वर ठाकुर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर। जो द प्रेजेंट डे टेम्पल इज रीबिल्ट बाई क्वीन, क्या है दोस्तों? क्वीन अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर इन 18th सेंचुरी, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इट इज द सीट ऑफ फाइनल साल्वेशन एंड द फुटप्रिंट ऑफ विष्णु इज मार्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ बसाल्ट, और ये जो आपका गया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, और बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम लोग कभी एक नए सेशन में लेकर के आएंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो, कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा भी। और मैं आप लोग को फिर से एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, मैं आप लोग शुरू में भी बताया था कि क्या करना होगा, मैं शुरू से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना ये होगा कि सबसे पहले adda247.com पे जाना है, ये पेज खुल जाएगा, यहाँ सर्च करना है BPSC। जैसे ही सर्च करेंगे डायनेमिक BPSC 2020 कंप्लीट बैच आएगा, यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक, और तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत होगी, यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे और ये कोड लगाइएगा मैजिक का, 80% का जो है ऑफ आ जाएगा, और सिर्फ 2500 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही झारखंड का भी आप सेम सर्च कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास में। हेलो महेश यादव जी, आप दोबारा क्लास देखिएगा, हमारे क्लास जो है अब समाप्त हो चुका है। ओके थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए एक लाइव सेशन में। और प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान जरूर रखिएगा।